आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मथुरा से चोरी किया गया ट्रक आगरा की थाना सिकंदरा पुलिस ने पकड़ लिया है। ट्रक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान ट्रक के साथ 3 लोग पकड़े गए। सतीश, अनिल कुमार, नारायण सिंह, ये वो साथी हैं जिन्हें पुलिस ने ट्रक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया गया है कि सतीश, अनिल और नारायण सिंह मथुरा से ट्रक चोरी कर भाग रहे थे। थाना सिकंदरा पुलिस आगरा मथुरा नेशनल हाईवे कैलाश मोड़ पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने ट्रक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से राजस्थान नंबर का ट्रक मिला है, साथ में देसी तमंचा, कारतूस और 2 चाकू बरामद किए गए हैं। देखिए, होली का त्यौहार अभी 2 ही दिन में आने वाला है, तो बैरियर डाल के प्रत्येक जगह पे प्रत्येक थाना अध्यक्ष को ये सूचित किया गया है कि प्रत्येक जगह बैरियर डाल के चेकिंग की जाएगी और किसी भी तरीके की लूट चोरी की घटनाएं ना होने पाए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी क्राइम ब्रांच टीम और थाना सिकंदरा को ये खबर मिली थी, मुखबिर द्वारा प्राप्त एक सूचना मिली थी कि 6 मार्च को एक ट्रक जिसका नंबर RJ05GA0300 ये नंबर है, ये मथुरा से चोरी हो चुकी है। तो इसकी सूचना पे कैलाश मोड़ पे बैरियर डाल के चेकिंग की जा रही थी, उसी में ये ट्रक जब आया तो उसको पकड़ा गया। पकड़ में आए तीनों बेहद शातिर बताए जाते हैं। सतीश मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में मथुरा वृंदावन के छटीकरा में रह रहा था। अनिल कुमार मथुरा थाना क्षेत्र के फरह का रहने वाला है। नारायण सिंह मथुरा थाना वृंदावन के छटीकरा का रहने वाला है। इनका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 3 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम सतीश है, दूसरे का नाम अनिल कुमार और तीसरे का नाम नारायण सिंह है। इनके खिलाफ कई आपराधिक इतिहास भी है। आर्म्स एक्ट में भी कई मुकदमे इन पे लिखे गए हैं और इनमें एक के पास तमंचा भी मिला है, एक जिंदा कारतूस मिला है .315 बोर का। जानकारी के मुताबिक ये शातिर काफी लंबे समय से वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए थे। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इन शातिरों ने अब तक कहां कहां पर कौन कौन सी वारदातों को अंजाम दिया है, साथ में इनके और कौन से साथी हैं। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।